दिल्ली में इस बार बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, जिससे लोगों की हेल्थ स्वास्थ्य पे बहुत दिक्कत आ रही है। आप बताइए कि किस तरह से लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में। लोग जो बाहर पहले स्नोफॉल देखने जाया करते थे, प्रॉबेबली यहीं उसका मज़ा ले रहे हैं। मगर ये मज़ा लेते लेते अपना ध्यान रखें कि अपने आप को अच्छे से गर्म रखें, स्वेटर कोट जैकेट पहन के रखें, गर्म पदार्थ का सेवन करें। जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर खुले एरिया में जाएं। जिन लोगों को बाहर का काम है ज़रूर अपना प्रोटेक्शन लें, ग्लव्स हैं, कैप है, इन तरह की चीज़ें हैं का इस्तेमाल करें। चाय, कॉफ़ी, सूप, गर्म चीज़ों का सेवन करें और इस चीज़ों का ध्यान रखें। और सांस में जिन लोगों को पहले से दमे की, फेफड़े की, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां हैं, उनको अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जो दवाई है उसको सेट कराएं, एडजस्ट कराएं, क्योंकि इन बीमारियों का बढ़ने का चांस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होता है, तो इन दवाइयों को सेट करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने फ्लू इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ हो तो वो लगवा सकते हैं, ताकि उससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जो चेंज ऑफ वेदर से फ्लू होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाएं। सर, देखा जाता है सुबह लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, अभी जिस तरह से धुंध है तो क्या ये सही है लोग जाएं मॉर्निंग वॉक पे? धुंध से ज़्यादा टेम्परेचर, ठंड की बात है कि टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक गिर गया है। तो जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको इतने कम टेम्परेचर में बाहर जाने में थोड़ा ठंड से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं होने के चांसेस हैं। तो अगर वो अंदर कुछ योग, व्यायाम, वर्जिश घर पे करना चाहें जहाँ पे थोड़ा हीटेड इन्वायरमेंट है तो थोड़ा बेटर है, या अगर जो बाहर खुले में जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाने पे, जब थोड़ा या हल्की धूप निकले तब जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स को हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें जब।